भारतीय सनातन परंपराओं में बांस का जलाना निषिद्ध है। कहा जाता है कि यदि बांस की लकड़ी से चूल्हा जलाया गया तो वंश नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार बांस को जलाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बांस को जलाना घातक होता है, संभवतः इसीलिए बांस जलाने का निषेध किया गया होगा। अगरबत्ती का प्रादुर्भाव एक प्रयोग कब और कैसे प्रारंभ हुआ यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन इसके जलने से और इसका धुआं एवं गंध श्वास के साथ शरीर में जाने के कारण इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध हो चुका है। ऐसी मान्यता भी है कि बांस जलाने से भाग्य का नाश हो जाता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, लेकिन उसे जलाने से दुर्भाग्य घटित होता है। फेंग शुई में लंबी आयु के लिए बांस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। यह अच्छे भाग्य का भी संकेत देता है, इसलिए आप बांस के पौधे का चित्र लगाकर उन्हें शक्तिशाली बना सकते हैं। माना जाता है कि बांस जलाने से प्रीत दोष लगता है। अगरबत्ती बांस की बनी होती है, अतः इसे जलाना शुभ नहीं होता। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। अगरबत्ती बांस और केमिकल से बनाई जाती है, जिसका सेहत पर बुरा असर होता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को शुभ माना गया है। शादी, जनेऊ, मुंडन आदि में बांस की पूजा एवं बांस से मंडप बनाने के पीछे भी यही कारण है। अतः बांस को जलाना शुभ नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि बांस का पौधा जहां होता है वहां बुरी आत्माएं नहीं आती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।